हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वेटेजर्स के स्टेटस वीडियो एडिटिंग करेंगे। अभी आपने स्टेटस वीडियो प्रीव्यू देखा होगा, इसी तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है लाइट मोशन। तो आपको लाइट मोशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट को लाइट मोशन में ऐड कर लेना है। बाद में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेक पैट और बिटमार्क प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। बिटमार्क प्रोजेक्ट इस प्रकार से है, तो आपको सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से आपको फोटो लेना है। जिस भी फोटो पर आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, वो आपको यहाँ से फोटो ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वीर तेजा जी की फोटो ले लेता हूँ। और फोटो ऐड करने के बाद आपको फोटो को इसी तरह फुल स्क्रीन कर लेना है, और इस फोटो को सबसे नीचे ले लेना इसी तरह। और आपको वीडियो के एंड तक जाना है और फोटो को यहाँ तक बटा लेना है। फिर फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाकर यहाँ पर आपको ग्लेशियर ब्लर वाला इफेक्ट आपको यूज़ कर लेना है, फोटो को ब्लर कर देना है इसी तरह। बाद में आपको यहाँ पर एक ग्रुप दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फोटो ऐड करना, कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना, और यहाँ पर स्टार दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और फिर स्टार पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फोटो ऐड कर लेना है तेजा जी की। फोटो पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो इसी तरह फोटो ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ से बैक आना है, चेक पैड प्रोजेक्ट में आ जाना है, यहाँ पर आना है। और दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रुप दिख रहा है, तो इस ग्रुप पर क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर देना है इसको। फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। फिर आपको आगे आ जाना है, जहाँ पर ये ग्रुप ख़त्म हो रहा है यहाँ पर आपको आ जाना है। फिर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है इस ग्रुप को उसी तरह। फिर आपको वीडियो के एंड में जाना है, तो हमारा ग्रुप यहाँ तक है। यहाँ अच्छे ग्रुप ज़्यादा है, तो आपको ग्रुप पर क्लिक करना है, और यहाँ पर घड़ी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, इस लाइन को इधर लेना है, बाद में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसी तरह। तो अब आपको ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, तो इसमें फ़ोटो ऐड करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टार पर जाना है। फिर स्टार पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो को ऐड कर लेना है। फिर अगला फोटो ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टार पर क्लिक करके फिर वापस स्टार पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फोटो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको सभी में फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से सभी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। और दोस्तों, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो लाइक कर देना है। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, अगर दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या वीडियो समझ में नहीं आता, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह आपको इसमें सभी फोटो ऐड कर लेना है।
फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। तो दोस्तों ये देखिए इसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ पर आपको एक और तेजाजी की फ़ोटो लेना है। तो फोटो पर क्लिक करना है, बाद में मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर फोटो को छोटा कर लेना है इसी तरह छोटा कर लेना है। बाद में आपको नीचे की ओर लेना है, यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है इसी तरह। फिर आपको वीडियो के एंड तक जाना है और यहाँ तक फोटो को बढ़ा लेना है। फिर आपको चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाकर कॉपी कर लेना है इफेक्ट को। फिर वापस आ जाना है बिटमार्क सॉन्ग प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आने के बाद जो आपने अभी तेजाजी का फोटो एडिट ऐड किया था इस पर ये इफेक्ट लगाना, तो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट कर देना है इफेक्ट इसी तरह। अब आपको यहाँ से बैक जाना है, वापस आ जाना है चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में और सबसे नीचे वाला जो फोटो है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना और थ्री डॉट पर जाकर कॉपी कर लेना है इफेक्ट को। फिर वापस आ जाना है अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे वाला जो फोटो है बैकग्राउंड का इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट कर लेना है इफेक्ट को इसी तरह। तो इसी तरह आपको फोटो ऐड कर लेना। फिर आपको अगले ग्रुप में आना है, एडिट ग्रुप पर जाना है और इस तरह इसमें भी ये कलर वाली पीएनजी, तो इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना, स्टार पर क्लिक करना, फिर वापस इस स्टार पर क्लिक करना और इसमें भी आपको फोटो ऐड कर लेना है इसी तरह। फिर अगले पर क्लिक करके इसमें भी फोटो को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरह आपको इस वाले ग्रुप में भी फोटो ऐड कर लेना है। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ पर आपको वीतेजाजी टेक्स्ट पीएनजी है जो आपको ऐड करनी है, तो इस पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको उसको मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर ले लेना है पीएनजी को यहाँ पर। फिर आपको इसको छोटा कर लेना है इसी तरह और थोड़ा इसको घुमा लेना है। इसी तरह आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, इसी तरह आपको एडजस्ट कर लेना है। बाद में आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ पर और पीएनजी ऐड करना है, तो ये वाला पीएनजी आपको ऐड कर लेनी है। इसको मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके जब जने से रख देना है, इसको यहाँ पर आपको रख देना है। फिर एक और पीएनजी ऐड करना है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और इस दिल वाले पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। इसको मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे की ओर रख देना है। जितने भी मटेरियल फोटो है ये सब मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपको इस वीतेजाजी फोटो इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। अब आपको इस तीनों पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आपको वीडियो एंड में आना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको वीडियो एंड तक बढ़ा लेना है। तो दोस्तों हमारा स्टेटस बन चुका है। अब आपको अपने चैनल का या स्टेटस का लोगो लगा सकते हैं, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, यहाँ से आपको अपना लोगो लगा देना है इसी तरह, इसको ऐड कर लेना है। बाद में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा घुमा लेना है इसी तरह, जो ग्रुप है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपको लोगो रख देना है। इसको भी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है।
तो दोस्तों हमारा स्टेटस वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको कौन आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।